अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, सुपरस्टार सनी देओल हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार है जिनको उनकी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार डायलॉग और एक्शन के लिए जाना जाता है। साथ ही सनी देओल ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक कई जबरदस्त फिल्में दी हैं और फैंस आज भी सनी देओल की फिल्मों को देखना उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले करते थे। वहीं 22 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली उनकी मच अवेटेड फिल्म गदर 2 रिलीज होने जा रही है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म के टीजर को भी रिलीज कर दिया है जो कि बेहद शानदार है और फैंस भी काफी खुश है उनको एक बार फिर से तारा सिंह के रोल में देखने के लिए। वहीं गदर 2 के बाद सनी देओल एक और बड़ी फिल्म लेके आने वाले हैं जो कि गदर की ही तरह वॉर स्टोरी पर बेस होने वाली है जिसका नाम है लाहौर 1947। जी आपने सही सुना, आपको बता दें कि ये फिल्म सनी देओल के कैरियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है क्योंकि ये फिल्म भी गदर की ही तरह देशभक्ति पर बेस्ड होने वाली है। फिल्म की थीम भी लगभग गदर की ही तरह होने वाली है। फिल्म में हमें सनी देओल का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में हमें सनी देओल के साथ उनका बेटा करण देओल नजर आ सकता है और खबरें तो ये भी निकल के आ रही है कि फिल्म में फीमेल लीड में हमें राजकुमार संतोषी की डॉटर तनिषा संतोषी इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। बात करें फिल्म की डायरेक्शन की तो फिल्म को राजकुमार संतोषी जी की डायरेक्शन में बनाया जा रहा है जो कि सनी देओल के साथ पहले भी घायल, घातक और दामिनी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं हाल ही में राजकुमार संतोषी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सनी देओल के साथ एक बड़ी फिल्म करने जा रहा हूं जिसका नाम है लाहौर 1947। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म का शूट भी अब जल्दी शुरू करने वाला हूं। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट 100 करोड़ होने वाला है जो कि गदर 2 के ही बराबर है जिसका मतलब है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। वही बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो फिल्म का शूट अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अगर सब कुछ सही से चलता है तो ये फिल्म हमें अगले साल जनवरी में रिपब्लिक डे के मौके पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपसे भी लाहौर 1947 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़े ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।